मोदी समेत सभी मंत्रियों संग आसाम बैठक करेंगे राष्ट्रपति कोविंद, चाय का भेजा है नौता। 15 अगस्त से पहले जगमगाया चौक घंटाघर, पहली बार श्रीनगर में दिखा ऐसा नजारा। जदयू सांसद बोले, केंद्र नहीं माना तो अपने खर्च पर जाति आधारित जनगणना कराएगी बिहार सरकार। संक्रमण के केस घटे लेकिन मौतें बढ़ी, एक दिन में 48,628 मामले और 617 लोगों की मौत। यूपी में युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार, 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार, में हूँ आपके साथ अलाशिका यादव। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जनपद बरेली में बार एसोसिएशन के सचिव वीपी ध्यानी अपने कुछ वकीलों के साथ एसएसपी से मिलने गए थे। एसएसपी की नामौजूदगी में सीओ टू आशीष प्रताप सिंह एसएसपी ऑफिस में बैठकर समस्याएं सुन रहे थे। बार के पदाधिकारी वीपी ध्यानी ने जैसे ही अपनी समस्याओं को सीओ दो के सामने रखा, उन्होंने आड़े हाथे लेते हुए 151 में बंद करने की धमकी दे डाली। वकील गुस्से में आए और सीओ दो के बर्ताव को लेकर जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। काफी देर धरने पर बैठे रहने के बाद एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल धरना स्थल पर गए और उनको आश्वासन दिया, कहा कि अब कोई बदसलूकी वकीलों के साथ नहीं होगी। उनके आश्वासन के बाद वकीलों ने धरना समाप्त कर दिया। वकीलों में अमित विशरिया, सीपी सक्सेना, जुवेर अमजद आदि बड़ी संख्या में धरने पर बैठे रहे। बिल्कुल बैठे, कल तक बैठे, हमेशा बैठे हैं, लेकिन समस्या की बात की कोई बात आपको बताना चाहिए, ये नहीं अकेले आदमी का काम करेगा। खबर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। जनपद हमीरपुर में बाइक पर सवार भाई बहन को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए, वहीं ट्रक वाला मौके से फरार हो गया। भाई बहन को ससुराल से घर लेकर जा रहा था, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया। यह घटना समीरपुर थाने के बस स्टॉप की है। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जनपद बरेली में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, पुलिस ने नकली मोविल ऑयल की फैक्ट्री पकड़ी। फैक्ट्री से 3000 लीटर नकली मोविल ऑयल बरामद कर बड़ी संख्या में कंपनी के स्टिकर, क्रेन, ड्रम उपकरण के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के हनुमान गढ़ी के पास चल रही थी फैक्ट्री। एसपी सिटी रविन्द्र कुमार ने काफी समय से मिल रही नकली मोविल ऑयल बेचने की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर एवं सीओ शाद खान के निर्देशन में एक टीम का गठन किया। टीम द्वारा हनुमानगढ़ी आश्रम मरीना थाना सुभाष नगर द्वारा नकली मोविल ऑयल बनाकर विभिन्न मोविल ऑयल की कंपनियों के स्टिकर लगाकर असली वाले दामों में बेचते समय गिरफ्तार किया। मौके पर लगभग 3000 लीटर नकली मोविल ऑयल कंपनी उपकरण बरामद किए गए, जिसके संबंध में थाना बरादरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अजय कुमार शुक्ला, चौकी प्रभारी सहमतगंज, कांस्टेबल राहुल खुराना शामिल रहे। एक वादी हैं देवंत कुमार, जो कि लाल फाटक थाना क्षेत्र कैंट के रहने वाले हैं। उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा इनको कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर इनकी ई रिक्शा चोरी कर ली गई। इस संबंध में थाना कोतवाली के 328-379 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनके रिक्शे की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद में 4 लोगों को रेलवे कॉलोनी के बाउंड्री वाल से के पास से गिरफ्तार किया गया। इन चोरों के निशानदेही पर 3 ई रिक्शा बरामद किए गए हैं और इनके पास से 120 ग्राम नशीला पदार्थ पाउडर एवं नशे की गोलियां बरामद हुई है। इन लोगों के आपराधिक इतिहास के बारे में जब पता लगाया गया तो पता लगा कि इनके ऊपर अन्य चोरी के मुकदमे और NDPS एक्ट के तहत मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। शहर के अन्य थानों में भी इनके ऊपर जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं शहर में उन्हें हमें पता लग गया है। अब जनपद के अन्य थानों में क्या इनके ऊपर कोई मुकदमे, इसका भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से। जनपद सिद्धार्थ नगर जिले में सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हुए एक वीडियो ने काफी हलचल मचा रखा है। वायरल वीडियो में एक महिला शिक्षा मित्र द्वारा अपने ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चप्पल से पीटा जा रहा है। पूरा मामला इटावा तहसील के प्राथमिक विद्यालय का है। वहीं इस मामले में BSA ने बताया है कि संबंधित विकास खंड के VO को उक्त प्रकरण
में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट आधार पर कार्रवाई होगी। हमने जांच बता दिया है, अखंड शिक्षा अधिकारी जांच करके आज उसके उपरांत जो भी कार्रवाई। शिक्षा विभाग का जो वीडियो जारी हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं क्या शिक्षा विभाग में शोभनीय है? शिक्षा विभाग में न कहीं भी। सर वीडियो आपने देखा वायरल कि नहीं देखा? मैंने उस पर कार्रवाई के लिए संकेत भी कर दिया, कार्रवाई जांच भी हो रही है और जांच रिपोर्ट आने आज तक आ जाएगी उसके कार्रवाई। खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद शहर के प्रसिद्ध मंदिर माधोपुर गंगा दरवाजा स्थित शनि धाम मंदिर में चोरों ने बीती रात मुख्य गेट पर कीमती टंगे घंटों को चुरा लिया। सुबह जब 11 बजे पूजा करने पहुंचे आकाश गुप्ता उर्फ सोनू पुत्र इंद्रदेव गुप्ता निवासी लिजीगंज को घंटा चोरी होने की सूचना मंदिर के आसपास के लोगों व मंदिर के भक्तों को दी। सूचना मिलने पर बाबा के भक्त व हिंदू महासभा नेता राजेश मिश्रा आदि श्रद्धालु मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को फोन पर दी। सूचना मिलने पर क्षेत्र के हलका इंचार्ज मौके पर आ गए और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की व सीसीटीवी फुटेज भी देखे। फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष राजेश मिश्रा व श्रद्धालुओं ने जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली ई रिक्शा चोर गैंग के 4 सदस्य किए गिरफ्तार। लंबे समय से कर रहे थे ई रिक्शा चोरी। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापे मार कर की कार्यवाही। कोतवाली इलाके के रेलवे कॉलोनी के ग्राउंड से की सभी की गिरफ्तारी। आरोपी के पास से 4 ई रिक्शा, 120 नशीली गोलियां, नशीले पाउडर किए बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया थाना कैंट क्षेत्र के लाल फाटक के पास चनहटी के रहने वाले देवेंद्र कुमार माथुर पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश ने अज्ञात चोरों के खिलाफ 2 अगस्त को शिकायत की थी कि उनको कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर अज्ञात चोरों ने ई रिक्शा चुरा लिया। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर 9 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पकड़ने वालों की टीम में उप निरीक्षक शनि चौधरी, थाना कोतवाली संदेश कुमार प्रवेश कुमार मौजूद थे। वहां से के एक दुकान से 2 व्यक्तियों को नकली मोबाइल वायर बेचते समय गिरफ्तार किया गया। वहां से लगभग 3000 लीटर नकली मोबाइल वायर एवं भिन्न भिन्न कंपनियों के स्टिकर बरामद किए गए। ये नकली मोबाइल वायर बनाकर और भिन्न भिन्न कंपनियों के उस पर स्टिकर लगाकर असली दाम में बेचा करते थे। पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी, सूचना पर इन्हें पकड़ा गया। इनके ऊपर थाना बारादरी पे IPC की विभिन्न धाराओं और व्यापार चिन्ह अधिनियम कॉपीराइट एक्ट का तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हम इनसे ये पूछताछ कर रहे हैं कि ये इसके उपकरण और नकली ये मोबाइल वायर कहाँ से लाते थे और किन किन लोगों को गिरफ्तार करते थे। पूरी सप्लाई और डिमांड चेन की हम पता लगा रहे हैं और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।